फिल्म जो है मेरा जिस दोस्त एजाज अहमद साहब डायरेक्शन है, प्लस इनकी फिल्म है लाइफ की ऐसी की तैसी, जो कि उम्मीद करता हूँ कि ये इस साल की बहुत ही सुपरहिट फिल्म रहेगी। और गाने की बात करें तो किस तरह के गाने होंगे फिल्म? गाने बहुत ही बढ़िया हैं और मेलोडी सॉन्ग है, और 100% मैं कहूँगा कि ये गाने हिट हो जाएंगे। छगन भुजबल जी के जिंदगी पर फिल्म है तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी होने का ये है, तो उसके लिए कितने तैयार हैं आप? गाने में ऐसी कोई कंट्रोवर्सी गाने का जहाँ तक सवाल है, हम जिस ढंग से कंपोज है, जैसे लिरिक्स है, उसमें फील डाल के, हम जान डाल के एक अच्छा सॉन्ग हम देंगे। अच्छा, मार्केट में अच्छी चीज़ तो आएगी। और रही बात छगन भुजबल साहब की, उसके बारे में बहुत अच्छा हो जाएगा वो, क्योंकि लोगों के सामने एक अच्छी चीज़ या सच्चाई सामने आ जाएगी, क्योंकि क्यों बहुत सारे अच्छे काम हैं जो सामने आ जाएंगे। इस गाने की बात करें तो गाने का मेलोडी गाना है, किस टाइप का गाना है आज जो गाना रिकॉर्ड किया जा रहा है? आज जो गाना रिकॉर्ड किया जा रहा है, उस गाने के बोल हैं, इनकार मत कर इकरार कर। बहुत ही प्यारा लविंग सॉन्ग है और उम्मीद करता हूँ बहुत ही हिट हो जाएगा। ये ड्यूट है या सोलो है? ये सोलो गीत है, दो लाइन हो जाएगा। इनकार मत कर इकरार कर, इनकार मत कर इकरार कर, ओ सनम तू मुझसे प्यार कर, इनकार मत कर इकरार कर। फिल्म की डिटेल थोड़ा सा जानना चाहेंगे, वो तो फिल्म इज ऑल अबाउट। जी, दी फिल्म इज अबाउट टुडेस सोसाइटी। आज की सोसाइटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू चल रहा है, जो आज हमारी सरकारें भी कह रही है, सोसाइटी में ये किन चीज़ की चर्चा चल रही है, ब्लैक मनी। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस ब्लैक मनी को, किस तरह से ब्लैक मनी जमाया जाता है और किस तरह से ब्लैक मनी को एक्सपोज किया जाना चाहिए, इसको हमने एक सटारिकल कॉमेडी के जरिए हमने कोशिश की है कि इसको एक फिल्म के माध्यम से, फिल्म एक समाज का एक आईना होता है, तो हमने सोचा कि फिल्में तो बनती ही रहेगी, लेकिन इस माध्यम से, इस फिल्म के माध्यम से हमने समाज में एक ऐसे पहलू को उजागर करने की कोशिश की है जो ऑडियंस आज का सोसाइटी देखना चाहता है। तो ये फिल्म कहानी एक ब्लैक मनी के ऊपर आधारित है कि किस तरह से हमारे फिल्म के चार हीरो सोसाइटी में छुपे हुए पॉलिटिशियंस के पास से ब्लैक मनी को एक्सपोज करते हैं और किस तरह से उनका वो हशर होता है, और ये देखने लायक होगा और मजा आएगा। मैं एंजॉयमेंट, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लैक मनी यू नो। सो यू नो, डू यू कीप इन समथिंग माइंड, माइट बी द कंट्रोवर्सी कम्स अक्रॉस वंस यू नो रेडी विद योर ट्रेलर और योर टीजर? सी, वी आर फिल्म मेकर्स, वी डोंट थिंक ओवर इट कि क्या कंट्रोवर्सी होगी नहीं होगी। हमारा काम है कि जो समाज में दिखता है, हमें जो दिखता है, हम वो दिखाते हैं लोगों को। तो आज की सबसे हॉट बात तो यही है, हमारे प्रधानमंत्री से लीजिए, मुख्यमंत्री से लीजिए, सारे हमारे देश में एक ही चर्चा है कि ब्लैक मनी वापस आना चाहिए। वो तो ठीक है, जो ब्लैक मनी बाहर है वो तो वापस जब आएगा तब आएगा, लेकिन ब्लैक मनी आज जो अंदर है उसका क्या, जो इंडिया में ब्लैक मनी है उसका क्या? तो उसको हमने हमारे फिल्म के हीरोओं के जरिए कोशिश की है कि किस तरह से एक्सपोज किया जा सकता है, और एक बहुत ही अच्छा तरीका हमने इस फिल्म के जरिए सुझाया हुआ है कि लाइफ की ऐसी की तैसी जब इन बच्चों की होती है, तो ये किस तरह से रिस्क लेकर लाइफ के ऐसी की तैसी उन लोगों की करते हैं जिन्होंने सोसाइटी की लाइफ की ऐसी की तैसी की। ओके, फिल्म मेकिंग इज ऑलवेज अ वेरी सीरियस बिजनेस। फिल्म जब हम रिलीज करने की बात करते हैं, एक मोनोपोली रही है, यू नो, मल्टीप्लेक्स की बात करें, सिंगल थिएटर भी मिलना मुश्किल हो जाते हैं। आप फिल्म को रिलीज करने की क्या स्ट्रेटेजी हो? देखिए, हम लोग रिलीज की स्ट्रेटेजी तब बनाते हैं जब आपके पास कोई बड़ा स्टार कास्ट हो या हो, लेकिन जब आपके पास एक बड़ा सब्जेक्ट हो तो रिलीज की आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट बिकता है तो आप किसी भी छोटी फिल्म को उठाकर देख लीजिए, सबने अच्छा बिजनेस किया है। मसान को ले लीजिए आप, तेरे बिन लादिन को ले लीजिए, प्यार का पंचनामा ले लीजिए। तो आपको एक अच्छा इशू चाहिए जो सोसाइटी एक्सेप्ट करे। तो मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने जिस चीज़ को कैच किया है, दैट इज़ वेरी कैची। आज लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट अबाउट ब्लैक मनी, तो इसको एक सैटारिकल कॉमेडी के जरिए हमने समाज के सामने पेश करने की कोशिश की है। द लास्ट वन, यू नो, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माइंड, व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ योर फिल्म? यू नो, सी, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। हम लोग कोई फिल्म के जरिए उपदेश देना नहीं चाहते हैं,
किस तरह से ब्लैक मनी ना जमा किया जाए या किस तरह से एक्सपोज किया जाए. हमारा एक ही इंटेंशन होता है फिल्म मेकर का कि, और मैं भी उसी कैटेगरी का हूँ कि मैं एंटरटेनमेंट देना चाहता हूँ. तो इस फिल्म के अंदर बहुत ही कॉमेडी है और कॉमेडी कलाकार भी बहुत अच्छे हैं. और ये मत देखिए कि आप छोटे हैं कलाकार या बड़े हैं, सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. और मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि ऑडियंस थिएटर तक आएगी जब उन्हें पता चलेगा कि ये फिल्म, व्हाट इज़ द फिल्म अबाउट. देखिए ब्लैक मनी का नाम आता है तो आज कल सबसे ज्यादा हॉट छगन भुजबल साहब चल रहे हैं जो फिलहाल मेरे हिसाब से जेल के अंदर हैं. तो हमने उनकी लाइफ से कुछ मुद्दे उठाए हैं. तो उनकी लाइफ की काफ़ी स्टडी करने के बाद हमें ऐसा लगा कि ये ऐसा हो सकता है कि अगर इनकी लाइफ, यानी मैं ये नहीं कहूँगा कि सेम उनकी लाइफ पर कहानी बन रही है, लेकिन ये उनसे आधारित है, उनसे इंस्पायर्ड है. और वो हमारे फिल्म के काफ़ी कैरेक्टर्स हैं जो बिल्कुल उनसे आपको मिलते जुलते हुए नज़र आएंगे. क्योंकि वो जो एक्सपोज हुआ है, जो उन्होंने अच्छा किया है वो अच्छा किया है, जो बुरा किया है वो लोगों के सामने आना चाहिए. तो उन तक ये बात पहुंची है, उन्होंने अपनी कुछ डिस्कशन हुआ उनसे? देखिए डिस्कशन तो तब होगा जब हम कुछ ऐसे इंटेंशन से बनाएंगे कि किसी और इंटेंशन से. बस मैं एक सोशल को, समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बस एक ऐसे कोई नेता है समाज में, आप उसको पर्टिकुलरली एक छगन भुजबल नेता के से मत जोड़ कर देखिए. ये फिल्म इज अबाउट अ करप्ट नेता जिसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी है और धीरे धीरे वो एक्सपोज हो जाता है. तो किस तरह से वो उसका बेटा सारा एक्सपोज हो जाते हैं, ये इट इज़ द अबाउट. लेकिन इसमें कॉमेडी है तो मैं नहीं चाहूँगा कि इसमें और कुछ दूसरा मतलब निकाला जाए. फिल्म जब सबके सामने आएगी तो हो सकता है कॉन्ट्रोवर्सी है, तो उसके लिए कितनी तैयारी है आपकी तरफ से? तैयारी इन द सेंस हम लोग सब्जेक्ट को लेके तैयार हैं. अब कॉन्ट्रोवर्सी क्या होती है वो आई डोंट नो, गॉड नोज. हमारा काम है कि एक इंटरटेनमेंट के जरिए समाज में एक अच्छा सा मैसेज देने की कोशिश की कर रहे हैं हम लोग. और एक करप्ट पॉलिटिशियंस के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं. तो अगर वो आप लोगों को लगता है कि अगर वो छगन भुजबल से वो कैरेक्टर मैच होता है तो ये आपकी मतलब है. मैं कभी ये नहीं करूँगा, कहना चाहूँगा कि ये कैरेक्टर छगन भुजबल का ही है या उनके बेटे का है. लेकिन अगर वो कहीं ऑडियंस को लगता है तो इसमें इट मे बी अ कोइंसिडेंट. लेकिन जो चीज़ें हैं वो लोगों के सामने आनी चाहिए बस. आखिर मैं आपसे जानना चाहूंगा, इससे पहले आपने हु इज देयर करके एक फिल्म बनाई थी जो कि काफी कंट्रोवर्शियल रही थी, ये भी फिल्म काफी कंट्रोवर्शियल, तो ऐसे सब्जेक्ट क्यों चूज करते हैं आप और क्या क्या थॉट प्रोसेस? अब इसमें मेरा कोई दोष नहीं है. अब इसमें आप लोग, आपको लगता है कि कंट्रोवर्सी हो रही है तो कंट्रोवर्सी की, हम लोगों का इंटेंशन होता है कि एंटरटेन किया जाए लोगों को किसी भी तरह से. अब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी निकल आती है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आ जाती है, तो अब हम हर चीज़ का जवाब नहीं दे सकते. तो बस मेरा लास्ट फिल्म में भी वही एक एक्सपीरियंस था और इस फिल्म में भी यही एक्सपीरियंस है कि हम कॉन्ट्रोवर्सी करना नहीं चाहते, लेकिन अगर कुछ होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं. क्योंकि फिल्म इज स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट इज़ फाइनलाइज, टाइटल इज़ फाइनलाइज, तो फिल्म तो बनेगी, जो होगा देखा जाएगा. थैंक यू. It's a long story. Like I was doing a course in London, master's कर रहा था मैं. उसके बाद I wanted always had a passion to get into acting and politics. So I did a short acting course over there. When I came back, I met Mr. Ejaz Ahmed Mansur. He told me like he narrated me the entire script. So the script was very good because वो जो स्टोरी लाइन है जिसके अंदर यू नो आई एम प्लेइंग अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रगलिंग एक्टर लाइक हू वांट्स टू बी एन एक्टर इन लाइफ. That part I liked very much, so I told him that I'm very interested in doing this role, and he told me that okay, like you suit perfectly for this role, and he gave me a chance. So I'm glad and happy that Mr. Ejaz Ahmed gave me a chance to play a part in this movie. आप क्या जानना चाहेंगे? सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए. और माय नेम इज मुजाहिद खान. इससे पहले मैंने एक फिल्म की थी रंगेश, जिसको एक अच्छी सफलता मिली है बॉक्स ऑफिस That was a romantic film. So this time, this is the first time I'm doing a comedy film. So I am really very much excited. The storyline with my character, with the director, is very talented. So I'll say that एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो please we need your support. देखिए किरदार को लेकर क्या preparation की है आप दोनों ने? क्योंकि कहा जा रहा है कि comedy film में और काफी controversy में भी आ सकती है, तो अपने किरदार को लेकर क्या क्या तैयारियाँ की हैं? देखिए controversy point of view से अगर देखा जाए तो film एक real incident से कहीं ना कहीं inspire है, but मुझे लगता है कि हमें उसके hardcore message पे जाना चाहिए. हमने फिल्म जो है वो एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है, तो
कंट्रोवर्सी क्रिएट होनी चाहिए, बट इट हैज़ टू बी इन पॉजिटिव वे एक्चुअली। जहाँ तक किरदार का सवाल है, वो एक पर्टिकुलर है, एक लड़का है जो मैं रियल लाइफ में बहुत सीरियस हूँ और बहुत कंजर्वेटिव टाइप का हूँ, बट दैट इज टोटली अगेंस्ट माई पर्सनैलिटी। तो वो एक अलग तरह का, एक बहुत ही चुलबुला टाइप का लड़का है, किसे प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है और थोड़ा सा पैसे की कमी है। तो उस तरह की एक स्क्रिप्ट है, उस पर हमने काफ़ी वर्क किया है, वर्कशॉप किए हैं, सर ने काफ़ी अच्छे चीज़ें कुछ बताई हैं। जो लेट्स सी हाउ इट गोस। सर लुक कैमरा दीजिए आप प्लीज। आई डोंट थिंक कंट्रोवर्सियल होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ कॉमेडी मूवी। आई एम श्योर लाइक पीपल विल बी वॉचिंग विल डाई लाफिंग, इट्स दैट कॉमेडी। तो उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। आई डोंट थिंक इट्स गोना बी कंट्रोवर्सियल एट ऑल, बिकॉज बहुत कॉमेडी मूवी है, बहुत फनी है। चारों का रोल जो है इट्स वेरी फनी, सो आई थिंक यू ऑल शुड एंजॉय द मूवी। कभी लाइफ में, कभी लाइफ में से कहा है लाइफ की ऐसी की तैसी यार, कभी कहा है क्यों बोल रही कुछ मस्ती में, लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज एंड स्टफ, तभी कोई बोलते थे अभी तो नहीं, बट व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई शुड से समवन। एक बार वापस बोल के दिखाओ, लाइफ की ऐसी की तैसी हो गई। आप सर, लाइफ की ऐसी की तैसी हो गई। थैंक यू सो मच। इस फिल्म में दो नई जोड़ी है जो हीरो की, और दो नए डायरेक्टर हैं यासीन मोहसिन और मेरा बेटा फैयाज जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, और एजाज भाई जो हमेशा ऐसी फिल्में बनाते हैं अकॉर्डिंग टॉपिक है। तो मैं इसमें एज ए गेस्ट इनको मुबारकबाद देने आया हूँ, नए दोनों लड़कों को, पूरी टीम को। और हम लोगों ने तो वैसे बहुत काम किया, मालिक का करम करता ही रहता हूँ, कई जगह दुआएं देने जाना पड़ता है। इस फिल्म में मैं दुआ देने आया हूँ, और इंशाल्लाह इन लोगों की मेहनत, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी कोशिश है लाइफ की, ऐसी तैसी नए बच्चे हैं और एक अच्छी कहानी, जैसा कि एजाज भाई ने बताया, इन्होंने बहुत अच्छी कहानी तैयार की है, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म अच्छी बनेगी। और नए जोश है, नए लोग हैं, म्यूज़िक का भी आपने सुना कि अच्छा गाना तैयार होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इनको मुबारकबाद दे रही हूँ। आपका बेटा भी जुड़ा है इससे, तो उनको क्या टिप्स दिए हैं आपने? नहीं, मैंने अपने बेटे को किशोर नवीद कपूर जी के यहाँ से एक्टिंग का कोर्स कराया, और अभी बहुत कुछ सीखना है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, यहाँ पे बहुत सीखना पड़ता है। तो अभी बस मैंने कहा सेल्फ मेड बन जाओ, सीखते रहो, इंशाल्लाह एक दिन तुम्हारा भी टाइम आएगा। और एक जनरल एक एक्सपीरियंस चाहिए इस इंडस्ट्री का, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इन बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि ये लोग आगे बढ़ें, मैं इनको दुआएं दे रहा हूँ, और बस थैंक यू। और डॉक्टर क्या नाम है उनका, डायरेक्टर अहमद जी, इजाज अहमद जी, और उनकी फर्स्ट मूवी है। मैं बूम देख रही पारस, मैं तो प्रे करूंगी गॉड से कि जो भी उनकी आगे की फिल्में हो, ये भी फिल्म सुपर डुपर हिट जाए और आगे अच्छा काम करें, मार्केट में बहुत अच्छा नाम हो और हमें भी मौका मिले उनके साथ काम करने का। आप क्या कर रहे हो फिल्म के दर कैसे हो? अभी कुछ तो डिसाइड नहीं हुआ है, आज मुहूर्त है और गॉड चाहेंगे तो ऑफ कोर्स करेंगे उनके साथ काम। अपने रियल लाइफ किरदार से कितना कनेक्ट करती है और कितना प्रिपरेशन करना पड़ा आपको किरदार को लेकर? रियल लाइफ में मैं एक्चुअली ऐसी ही हूँ, सिंपल एंड स्वीट, तो प्रिपरेशन तो है ही करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कैरेक्टर हैवी है तो। जी, और डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या ब्रीफ किया था आपको फिल्म के बारे में? डायरेक्टर बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने जैसे समझाया किरदार जो भी है, मुझे आगे लग रहा है कि मैं इनके साथ बहुत अच्छे से काम कर पाऊंगी। जी, इसके अलावा आज मुहूर्त है फिल्म का, तो क्या कहना चाहेंगे मुहूर्त के बारे में और कब तक फिल्म फ्लोर पर आने वाली? मुहूर्त तो बहुत अच्छे से हो रहा है, मुझे लग रहा है मुहूर्त के बाद हम लोग बहुत जल्दी ही काम शुरू कर लेंगे और मई को ही शुरुआत हो जाएगी मूवी की शूटिंग। ओके, नथिंग एल्स, थैंक यू सो मच।